नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। स्वागत है आपका भारत की बात में। और आज बात उस बात की जिसने पूरे पंजाब का सियासी माहौल गर्म कर रखा है। आपको याद होगा 2017 का पंजाब चुनाव, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेअदबी का था। इस चुनाव से पहले फिर बेअदबी, सेम पैटर्न, वही तरीका। और इस बार भाई हर पार्टी बेअदबी को मुद्दा बना रही है, मगर पीट पीट कर मार दिए गए दो लोगों पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि धार्मिक सेंटिमेंट अपनी जगह पर है, मगर कानून को कोई हाथ में कैसे ले सकता है, या फिर कानून पर लोगों को भरोसा ही नहीं है। स्वर्ण मंदिर के अंदर दरबार साहिब में पहली बार किसी ने बेअदबी की कोशिश की। पहली बार कोई अचानक से घेरे को पार कर गुरु ग्रंथ साहिब के पास रखी श्री शाही यानी कृपाण उठाई, और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। बेअदबी से बड़ा पंजाब के लिए कोई मुद्दा नहीं, सिखों के लिए गुरु से बड़ा कोई ईश्वर नहीं, और ये वक्त सियासत को फौरन समझ आ गया। इससे पहले की बात और बिगड़ती, सीएम चन्नी तत्काल स्वर्ण मंदिर पहुंच गए और कहा यही कि जल्द कार्रवाई करें। कोई भी इस तरह की घटना करने लिए जे कोई माड़े मनसूबे नाल आया है तो साड़ियां इंटेलीजेंसियां उन्हें कोशिश करेगी नाप करन, उन्हें फड़न। जे कोई इस तरह का संगत दे ध्यान विच भी आउंदा वह भी ध्यान रखे। इस दी तह तक पहुंचण की पूरी कोशिश की जाएगी और पहुंचा जाएगा। और इसी से साफ है कि किसी की लिंचिंग से बड़ा मुद्दा पंजाब के लिए बेअदबी का है, क्योंकि गुरु के अपमान से बड़ा सिखों के लिए कुछ भी नहीं, और इसके लिए वो किसी की जान लेने तक से पीछे नहीं हटते। उन्हें कानून का डर नहीं, उन्हें कानून का खौफ नहीं, और सरकारें भी इस पर बोलने से बच रही हैं। पहले की बेअदबी है क्या, उसको भी समझ लीजिए। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को एक जीवित गुरु मानते हैं। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने फरमान सुनाया था, गुरु ग्रंथ साहिब और इससे जुड़ी हर चीज पवित्र होती है। गुरु ग्रंथ साहिब और गुरुद्वारे का अनादर करना अपराध माना जाता है, और इसे सिख लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते। धार्मिक सेंटिमेंट उनके सियाहत होते हैं, शायद इसीलिए लिंचिंग पर बोलने से हर नेता बच रहा है, लेकिन बेअदबी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहा है, और सिद्धू ने तो अलग ही लकीर खींच दी। नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवान सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी है, ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों के लिया के फाहा ला देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए। भरे मंच से सिद्धू ने बेअदबी करने वालों के लिए फांसी की सजा की मांग कर ली, क्योंकि सिद्धू को पता है कि पंजाब की राजनीति धार्मिक सेंटीमेंटों के रास्ते से होकर गुजरती है, इसलिए लिंचिंग पर हर ओर सन्नाटा है और बेअदबी सबसे बड़ा मुद्दा, और वाकई इतना बड़ा मुद्दा कि सरकार बनाने और बिगाड़ने का मादा रखता है। 2017 में बेअदबी का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा था। 2015 से 2017 के बीच हुई करीब 122 बेअदबी की घटना, बेअदबी का मुद्दा बना तो 10 साल की अकाली सरकार के दिल लद गए। कांग्रेस इस वादे के साथ सत्ता में आई कि बेअदबी मामलों में कार्रवाई करेंगे, लेकिन ज्यादातर मामलों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, और आज कांग्रेस सरकार इसी बात को लेकर विरोधियों के निशाने पर है। सिरे नहीं चढ़ाया गया उनका, कोई जांच करके दोषियों को सजा नहीं दी गई। अगर जांच करके सजा दी गई होती तो शायद दोबारा कोई हिम्मत इस तरह की नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी जिन लोगों ने भी इनको भेजा करने के लिए उन तक जल्द से जल्द प्रशासन पहुंचेगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी। अगर इनसे सरकार नहीं चलती तो छोड़ दें, हम चला के दिखा देंगे। एक जुडिशियल या जज बिठाना चाहिए सी जिहड़ा इन सारी जांच करे। आई गल्लां तो पता लगता है कि इन्हां दी नीयत साफ नहीं है, इन्हां दा निशाना कोई बेअदबी दे दोषियों नूं फड़ना नहीं। यानी जिस दांव से अकाली सत्ता से बाहर हुई उसी दांव के दम पर वापसी की कोशिश की जा रही है। दरबार साहिब में हुई बेअदबी को हर कोई मुद्दा बना रहा है, पर लिंचिंग पर पंजाब का कोई बड़ा नेता बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबको पता है कि इसका राजनीतिक नुकसान होगा। बेअदबी ज्यादा बड़ा मुद्दा है, लिंचिंग के उलट बेअदबी पर सख्त कानून बनाने की मांग हो रही है। बेअदबी के मामलों में आईपीसी की धारा 295 और 295A लगाई जाती है। दोनों ही धाराओं में 2 से 3 साल की सजा मिलती है। सबसे ज्यादा बेअदबी के मामले पंजाब में, लेकिन सख्त सजा न होने पर घटनाएं बढ़ती गई, और आज तो सिद्धू ने सारी लकीरें पार कर सबसे बड़ी सजा की मांग कर डाली। नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवान सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी है, ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे,
चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों के लिया के फाहा ला देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए। फांसी की सजा की मांग की जा रही है, धार्मिक भावनाओं पर सियासत की चाशनी लपेटी जा रही है, क्योंकि अब बेअदबी के मामले में लोग खुद कानून हाथ में लेने लग गए हैं। स्वर्ण मंदिर के बाद कपूरथला में भी यही हुआ, यहाँ भी बेअदबी की कोशिश हुई तो आरोपी को ऑन द स्पॉट भीड़ ने मार डाला। इससे पहले सिंघू बॉर्डर पर बेअदबी के आरोप में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, यानी ऑन द स्पॉट सजा का चलन बढ़ गया है और पुलिस भी धार्मिक सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए बेअदबी के मुद्दे को ही तरजीह देती है। देखो, एक अजय आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, 295A और 307 IPC का केस रजिस्टर किया है जो अनआइडेंटिफाइड बंदा था उसके अगेंस्ट, और फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम लोग CCTV फुटेज इनसाइड जो गोल्डन टेंपल है वो हम काफी देख चुके हैं, 11 बजे के आसपास एंटर किया है, और उसके बाद कब तक रहा वो, कहाँ कहाँ रहा वो, सारा अब हम एग्जामिन कर रहे हैं। और इसी बेअदबी के मुद्दे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने बेअदबी की सजा उम्र कैद करने वाले बिल को मंजूरी दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है। 2018 में ये संशोधन करके बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब पंजाब सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राष्ट्रपति के पास लंबित बिल को मंजूरी दिलवाने का आग्रह किया है। पंजाब के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का हवाला भी दिया गया है। तो उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को, बेअदबी के कानून बिल को मंजूर कराने के लिए चिट्ठी लिखी है। बेअदबी पर उम्र कैद का बिल चाहते हैं पंजाब सरकार, 2018 से राष्ट्रपति के पास लंबित है ये बिल। तो अब उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को। और उधर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जाहिर है लिंचिंग पर कार्रवाई से ज्यादा पुलिस बेअदबी मामले पर ज्यादा सघनता से जांच कर रही है, और सीएम चन्नी का भी पूरा जोर बेअदबी के मामले पर ही है। तो एक बहुत ही मंदभागी घटना हुई है, जिदी जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है। ते इस तरह दी घटनावां ना होण, उस लई मैं पूरे पंजाबियों नूं अपील करदा कि जिन्नियां भी धार्मिक संस्थावां हैं, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां हैं, चाहे वह किसी भी धर्म नाल रिलेटड है, उन्हां दा पूरा ध्यान रखिया जाए। हो सकदा है कि चुनावां करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां गलत रोल खेलण दी कोशिश कर रही होण, उन्हां नूं बेनकाब भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं चुनाव को देखते हुए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो, और सभी सियासी दल बेअदबी के मुद्दे पर अपनी अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। सवालों के उन्होंने क्या क्या जवाब दिए, लेकिन लेकिन जैसा सभी को इंतजार था। वरुण मैं आपको रोक रही हूं, ओम तिवारी भी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, आज की पूछताछ खत्म हुई, आगे को लेकर क्या अपडेट, क्या कल भी बुलाया गया है, क्या खबर? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है, और इस पूछताछ के दौरान उनसे तमाम सवाल पूछे गए हैं। मसलन उन्होंने अभिषेक बच्चन जो उनके पति हैं मार्च 2012 में £1,25,000 कहां से भेजे थे। नियमों के मुताबिक एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग भारत में एक दूसरे को विदेशी मुद्रा ट्रांसफर नहीं कर सकते, लिहाजा इस मामले में सबसे बड़ा आरोप था कि उन्होंने अभिषेक राय बच्चन को £1,25,000 की रकम ट्रांसफर की है और उसके लिए RBI से परमिशन नहीं दी थी। दूसरा मामला था कि उनसे पूछा गया था कि 2004 में जो कंपनी विदेश में बनाई गई थी BVI में ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में, उससे उनका क्या रिश्ता है, वो डायरेक्टर कब बनी और उस दौरान उन्होंने क्या क्या फायदे उठाए। इन तमाम सवालों के जवाब ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछे गए। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके द्वारा दिए गए जवाबों का आकलन करेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुला सकता है। जी शोभना, ओम प्रकाश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अभिषेक बच्चन के अकाउंट में विदेशी करेंसी ट्रांसफर की गई, इसको लेकर पूरी पूछताछ, के अभिषेक बच्चन को भी बुलाया जा सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल शोभना, ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अभिषेक बच्चन से एक राउंड की पूछताछ हो चुकी है, और सूत्रों का कहना है कि इस मामले में अमिताभ बच्चन से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि इस मामले में अमिताभ बच्चन का भी रोल है। इस मामले में आरोप है कि अमिताभ बच्चन 2007 से लेकर 2013 के बीच
जरूरत से ज्यादा रकम, जितनी तयशुदा रकम थी उस रकम से ज्यादा रकम लेकर विदेशों में गए और इस बारे में उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी परमिशन नहीं ली थी, यह एलिगेशन था पनामा लीक पेपर्स में। इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन पर एलिगेशन था कि कंपनी के डायरेक्टर रही और 1,25,000 पाउंड उन्होंने उसमें जमा कराए। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन है, उनके खाते में पैसे आए, उन्होंने इस बारे में रिजर्व बैंक इंडिया को ना तो कोई जानकारी दी और ना ही उनसे कोई परमिशन ली। लिहाजा इन लोगों से पूछा जाना है कि ये जो विदेशी पैसा पाउंड वगैरह थे ये कहां से आए थे, किसके थ्रू आए थे, और यही कारण है कि इस मामले में फेमा के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है और अगर ईडी इस मामले में उनको दोषी पाता है तो 300% तक का जुर्माना लगा सकता है। शोभना, ओम प्रकाश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं इस पूरे मामले के ऊपर, ये जो टीम थी ईडी की, जो टीम थी, लगभग कितने अधिकारी इसमें रहे होंगे और क्या ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनके वकील भी मौजूद थे, इसको लेकर भीतर कमरे की क्या जानकारी आपके पास? देखिए, एडिशनल जो ऐश्वर्या राय बच्चन है उनके साथ कोई भी वकील अंदर नहीं गया था, लेकिन वो कुछ दस्तावेज लेकर शोभना अंदर गई थी। अंदर जो एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा के नेतृत्व में दो महिला और एक श्रीराम मीना असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी जो इस केस के मुख्य आईओ भी है उनके नेतृत्व में पूछताछ की जा रही थी। यानी कुल मिलाकर 4 अधिकारी थे जिसमें से 3 महिला अधिकारी थी और एक पुरुष अधिकारी था, उनके नेतृत्व में पूछताछ की जा रही थी। इस मामले के डिप्टी डायरेक्टर आउट ऑफ स्टेशन है, लिहाजा इस मामले की कमान खुद एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा ने संभाली हुई थी। 4 अधिकारियों की अगुवाई में लगातार उनसे पूछताछ की गई और बार बार उनसे जो है पैसे के सोर्स को लेकर सवाल किए गए कि 1,25,000 पाउंड की रकम वो आखिर आई कहां से। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा जवाब वरुण जैन आपसे, जब ऐश्वर्या राय बच्चन दफ्तर से बाहर निकली तो क्या बॉडी लैंग्वेज, छोटा सा जवाब। देखिए, बिल्कुल चेहरे पे एक तनाव था क्योंकि बाहर भी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे, सिक्योरिटी पहले से ही वहां पर उनकी खड़ी थी, कहीं ना कहीं चकमा देने की कोशिश की गई थी। यही वजह है जामनगर के इस ईडी ऑफिस के पहले फ्रंट गेट पर गाड़ी को लगाया गया और कुछ ही देर बाद एक दूसरी गाड़ी को पीछे लगाई गई जिससे किसी तरीके से मीडिया कर्मियों को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। और उसके बाद पीछे के गेट से जब वो बाहर निकली, चेहरे पे तनाव उनके साफ नजर आ रहा था, भारी भीड़ थी कैमरा की, किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल साइलेंट मोड में थी और सीधा गाड़ी में बैठी और उसके बाद सिक्योरिटी जो और जैसा कि ओम प्रकाश भी बता रहे हैं कि अब पूरी जांच जो उन्होंने जवाब दिए हैं ऐश्वर्या राय बच्चन ने उसका आकलन किया जाएगा और उस आकलन के बल पर हो सकता है उन्हें दोबारा बुलाया भी जाए। ऐश्वर्या राय बच्चन जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री, ईडी ने लगभग 7.5 घंटे तक ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की, पनामा पेपर लीक मामले में ये पूछताछ हुई, अब वो बाहर निकल चुकी है इस पूछताछ के बाद। हमें जो जानकारी मिल रही है, जो जवाब उन्होंने दिए हैं ईडी के अधिकारियों को, उसका आकलन किया जाएगा और अगर जरूरत हुई तो दोबारा बुलाया जा सकता है ऐश्वर्या राय बच्चन को। दिसंबर की सर्दी हर रोज नए रिकॉर्ड्स बना रही है, न्यूनतम पारा नीचे खिसकता जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा रोज ऊपर चढ़ रहा है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही कुछ बातें बेहद साफ दिख रही हैं और वो ये कि उत्तर प्रदेश चुनाव का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर तो दिखते हैं, योगी नारों में भी मौजूद होते हैं, लेकिन बीजेपी बनाम अखिलेश यादव के इस चुनावी मैच में ओपनिंग करने से लेकर फिनिशर तक हर जगह मोदी जी मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव भी मोदी वर्सेज अखिलेश यादव के तौर पर दिखने लगा है। आज भारत की बात में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी को ऐसा करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, ये योगी नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। राम राम जपना पराया, समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में है, जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं तीर्थ स्थली वीरों की,
मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। झांसी में तो नहीं आ जाओगे आप, ये झांसी वाले झांसो में मत आना। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी वर्सेज अखिलेश यादव होता जा रहा है। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। अखिलेश भैया जिंदाबाद। लाल रंग क्रांति का भी है, लाल रंग बदलाव का भी है। अभी मैं मोदी अपने बयान का बाउंसर डालते हैं तो अखिलेश यादव भी उस बाउंसर पर शॉट लगाने की कोशिश जरूर करते हैं, और जब अखिलेश को मौका मिलता है तो वो बिना देर किए गुगली डाल देते हैं। तस्वीर किसी की खींच रही है? जो इस चुनाव के दूल्हा होने हैं वो कहीं किनारे पे खड़े हैं। सवाल ये है कि जिस उत्तर प्रदेश को देश की सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्या उस यूपी के चुनाव से वाकई दूल्हा गायब है? जो इस चुनाव के दूल्हा होने हैं वो कहीं किनारे पे खड़े हैं। अखिलेश यादव के लिए दूल्हा मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। वैसे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि यूपी का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जा रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं, जब मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने पहुंचे थे। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे, लेकिन जब मोदी ने माइक संभाला तो अखिलेश यादव पर चौतरफा हमला किया। हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है ये आप लोगों ने भली भांति देखा है ना? क्या क्या होता था मालूम है ना? याद है कि भूल गए? पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सके। और ऐसा कोई एक बार नहीं है, मोदी ने पिछले 30 दिनों में जब जब उत्तर प्रदेश में रैली की है उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला जरूर किया है। 7-8 साल पहले जो स्थिति थी उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी के ओ यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यूपी का चुनाव लड़ रही है और इस बात का समर्थन करते हैं ये आंकड़े। 15 जुलाई से 18 दिसंबर तक प्रधानमंत्री मोदी 13 बार उत्तर प्रदेश जा चुके हैं, जबकि पिछले एक महीने में 7 बार यूपी का दौरा किया है, और सिर्फ दिसंबर महीने में मोदी 4 बार यूपी आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि दिसंबर में मोदी के यूपी दौरे का कोटा फुल हो चुका है। 21 दिसंबर यानी कल मोदी प्रयागराज में होंगे। 2 दिन बाद 23 दिसंबर को मोदी के वाराणसी जाने की योजना है, जबकि 28 दिसंबर को मोदी कानपुर पहुंचने वाले हैं, और साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को मोदी के बुंदेलखंड का दौरा प्रस्तावित है। नरेंद्र मोदी जी, मोदी की ये ताबड़तोड़ रैलियां बता रही हैं कि यूपी चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड ने मोर्चा संभाल रखा है।
मोदी अपने नाम और काम के दम पर चुनावी माहौल को बीजेपी के पक्ष में करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को योजनाओं के लाभार्थियों के साथ उनका संवाद है। बहुत ही परेशान थे हम और घर चिचियाक रहा हमारा। मोदी जी ने हमें कॉलोनी दी, हम काफी बेहतर भैया वो कर रहे हैं। तुम्हारे कॉलोनी भी मिली है। अच्छा। मकान बन गया हमारा। पहले की परेशानी वही जब बारिश हो गई तो चिचियाक रहा। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी है। बीजेपी की जरूरत और निर्भरता तो साफ है नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि अगर 325 के करीब सीट पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे और अभी तक के इंडिकेटर्स ये हैं कि 100 सीटें ऑलरेडी वो नीचे हैं उस पोजीशन से, तो सारा दारोमदार इस भारतीय जनता पार्टी का किस चेहरे पर आता है। 14, 17 और 19 की जीत के नायक के चेहरे पर आता है जो कि नरेंद्र मोदी। नीड ऑफ द आवर जो है बीजेपी की वो है वापस मोदी फैक्टर। असल कोरोना महामारी के बाद यूपी का चुनाव सबसे मुश्किल हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश ने जो झेला वो योगी सरकार की नाकामी में गिना जाता है। साल 2020 का अप्रैल और मई का महीना जब उत्तर प्रदेश के दूर दराज के गाँव से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ तक लोग एक बूंद ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। न जाने कितने लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया, लेकिन योगी सरकार तब भी नहीं मान रही थी कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी है। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। मौजूदा स्थिति में ही नहीं, हम लोग सेकेंड और थर्ड वेव के लिए भी तैयार। योगी भूल गए थे कि दम तोड़ते मरीजों की तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वो बयान देते रहे और फिर उनके दावों का सच बताने वाली ये तस्वीरें सामने आई तो देश सिहर उठा। प्रयागराज का पूरा घाट लाशों से पटा हुआ था। घाट पर पसरे शवों की तस्वीर ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी थी। सिर्फ घाटों पर ही नहीं बल्कि गंगा नदी में तैरते हुए ये शव पूछ रहे थे, अगर किसी चीज की कमी नहीं थी तो सरकार हमारी जान क्यों नहीं बचा पाई। उत्तर प्रदेश की जनता और देश और दुनिया की जनता वो चीज कैसे भूल जाएगी कि जहां माँ गंगा में हजारों लाशें बह रही थी, बक्सर, गाजीपुर, बनारस, आपका इलाहाबाद, उन्नाव, कन्नौज, जहां पर शमशान में लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए। कोरोना महामारी में योगी सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाकर सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव और इसीलिए जवाब देने सामने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता यूपी चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। रविवार से बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा शुरू की है। भारत माता की। मोदी समेत बीजेपी की टॉप लीडरशिप का पूरा जोर इस बात पर है कि यूपी को योगी राज में क्या मिला, क्योंकि हर हाल में उन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना है जो उन्हें नहीं मिला। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का वादा किया था। जून तक किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि पूरे प्रदेश के गड्ढे भरने में 40 दिन का वक्त लगेगा। करीब 1400 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया था। सरकार के इस आदेश को पूरा करने के लिए यूपी में बड़े स्तर पर गड्ढे भरने का काम भी शुरू हुआ, लेकिन गड्ढे न तब भरे न उस वादे के 4.5 साल बाद। अब एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ में हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद तक और कानपुर से लेकर बरेली तक गड्ढे वाली सड़क के सबूत भी दिखाते रहे हैं। आप सही से साइकिल भी नहीं चला सकते यहाँ पर। 1.5 से 2 फुट गहरे गड्ढे हैं। स्वास्थ्य और सड़क के बाद अब यूपी की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जिसके दुरुस्त होने का दावा मोदी भी करते हैं और योगी भी। यहाँ लोग कहते थे दिया बरे तो घर लौट आओ, क्योंकि
सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार की तारीफ भले ही कर रहे हों, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। 2012 से 2017 तक यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, तब यूपी में हर साल औसतन 2,37,821 मामले दर्ज हुए। और साल 2017 से 2021 तक योगी के सत्ता संभाले 4 साल हो चुके हैं और आंकड़ों के अपराध हर साल औसतन 3,40,170 अपराध हुए। लाखों के औसत वाले इन अपराधों से अलग कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत जैसे मामलों ने यूपी सरकार की किरकिरी की है। इस होटल में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। यूपी की पुलिस पर सवाल उठाने वाली ऐसी ही एक तस्वीर यूपी के कासगंज से आई थी। क्या कहीं देश में ऐसा हुआ होगा कि एक व्यापारी व्यापार करने आया हो और पुलिस जाकर के वसूलने पहुंच गई हो, पीट पीट करके एक व्यापारी को मार दिया हो? कहीं दूसरा उदाहरण हो तो बता दो हमें। 2 फीट के पाइप पर कासगंज में बताओ कोई नौजवान फांसी लगा लेगा? भारतीय जनता पार्टी मारो और डरा रही है, राज करो। अखिलेश के वार के सामने योगी कमजोर ना पड़े, इसलिए बचाव और पलटवार दोनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी आगे आए हैं। दरअसल चुनावी सर्वे में भी योगी की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है। सी वोटर सर्वे में सवाल हुआ था कि यूपी में सीएम की पसंद कौन है, तो 9 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच योगी की लोकप्रियता का ग्राफ 3% तक गिरा, जबकि बतौर सीएम अखिलेश यादव के ग्राफ में 4% की बढ़ोतरी हुई है। योगी का ग्राफ जहां इस सर्वे के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में स्थिर दिख रहा है, वहीं अखिलेश का ग्राफ चढ़ रहा है। जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं कि 4 महीने पहले तक अखिलेश यादव रिटर्न ऑफ थे, एकदम से जिसे राजनीति में कहते हैं सही समय, समय बहुत अहमियत रखता राजनीति पे, अखिलेश यादव ना सिर्फ प्ले में आए, इस बार मुलायम सिंह यादव नहीं है, ये सारा दारोमदार अखिलेश पर खुद से, और वो पीक कर रहे हैं इस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर तक ने, उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग्स में रिएक्ट किया है। तो इसका मतलब एक हिस्से में इस चुनाव को जब ये बाइपोलर होने लगा, अपने आप को चैलेंजर, मैं उनको बार बार कहता हूं अखिलेश यादव को, उस रूप में अपने आप को उन्होंने एस्टैब्लिश जरूर कर लिया है। तो अखिलेश यादव ने खुद को बीजेपी के सामने चैलेंजर के तौर पर स्थापित कर दिया है और अखिलेश यादव की चुनौती का जवाब दे रहे हैं मोदी। चुनाव नजदीक आने पर यह खेल और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।